हमीरपुर जिला के सुजानपुर और ऊना जिला के रायपुर मैदान में जल्द ही मानव परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे। टेक्निकल कमेटी की तरफ से इन दोनों साइटों को पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। जिला प्रशासन हमीरपुर और जिला पर्यटन विभाग के प्रयासों से आखिरकार अब जल्द ही इन दोनों साइटों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग गतिविधियां कॉमर्शियल स्तर पर नजर आएंगी। साहसिक खेलों की इन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के लिए बाद ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में सियासतकालीन किले का भी जीर्णोद्धार संभव हो पाएगा। इस किले से सुजानपुर के चौगान मैदान के लिए मानव परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सुजानपुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से इस कार्य को किया जाएगा। सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान ने बताया कि इन दोनों ही साइटों पर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी भी गठित की गई थी। माउंटेनियरिंग संस्थान मनाली के डायरेक्टर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमेटी ने 2 बार साइट का विजिट कर उसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रदेश सरकार को एक बार फिर से प्रपोजल टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के साथ भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिलेगी और इन दोनों साइटों पर कमर्शियल स्तर पर पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां शुरू की जाएंगी तथा यहाँ पर पर्यटन गतिविधियों को इससे और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इसके लिए बजट का प्रावधान भी जल्द कर दिया जाएगा और नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल में जो क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की क्षमता रखते हैं लेकिन अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए। है कि हमने जो जितनी भी हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमने पूरी कर ली है। टेक्निकल कमेटी जो है फ्रेम की गई है सरकार, उसमें एक्ट के हिसाब से एक टेक्निकल कमेटी है, उसके डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो है वो उसके हेड हैं, वो वहाँ से स्टाफ आता है, रजिस्टर्ड पायलट होते हैं कुछ, हम यहाँ से होते हैं। तो हमने 2 बार उसको कर लिए है और कमेटी ने इस जगह को उपयुक्त पाया है और ये सारी फॉर्मेलिटियां करने के बाद हमने सरकार के केस भेज दिया है। लगता है ये जल्दी ही होने वाला है यहाँ के लिए। आपका जो पैराग्लाइडिंग सुजान करके और साथ में ही आपके रायपुर मैदान ऊना की ये वहां पर भी पैराग्लाइडिंग की सुविधा आपको तुरंत मिलेगी। पैराग्लाइडिंग के लिए बजट का जैसे ही सेंक्शन हो जाएगी, इसके लिए बजट जितना हमें चाहिए होगा जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान होता है जो आपके जो एरिया हैं जहाँ पर जो टूरिज्म से पोटेंशियल एरिया और जहाँ पर कुछ नहीं हुआ है वहाँ के लिए सरकार पहले से प्रयास करता है। आपको पता नहीं है, इधर नहीं रहे, हमने एक स्कीम चलाई है उसके तहत हमें ये पैसा भी मिल जाएगा जैसा हमें पुरुषोत्तम महादेव ने मिला है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और सरकार जो है पक्का इसके लिए देगी, क्योंकि सरकार जब नोटिफिकेशन करेगी तो उसको जो सुविधा है उनको भी मुहैया कराएगी। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि सुजानपुर का किला ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर किसी भी कार्य को करने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मंजूरी भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एएसआई के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों में वार्ता की गई है और जल्द ही मंजूरी के बाद यहाँ पर साइट को विकसित किया जाएगा। सुजानपुर का किला है जो वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक एक जगह है और बहुत सारा जो हिस्ट्री है वो उससे जुड़ी हुई है और उसके रखरखाव की भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहाँ पे क्योंकि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो थोड़ी उसमें रहती है काफी सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो रहती हैं, उसको परमिशन के बगैर एएसआई के कोई भी कार्य उसमें नहीं किया जा सकता। तो उसी कड़ी में हमने एएसआई को आग्रह किया है कि यहाँ पे जो है एएसआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट लेवल पे कि उनके साथ मिलके हम प्रपोजल बनाएं इसकी रेस्टोरेशन की और उसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत जो है इस पे ये कार्य किया जाए। और ये हम काफी ज्यादा क्लोजली काफी महीनों से इसको फॉलो अप कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि ये जल्दी रंग लाएगा और हम एएसआई के साथ मिलके उनकी अप्रूवल के साथ जो है ये कार्यों को थोड़ी इनकी रेस्टोरेशन और जो हमारे धरोहर हैं उनको दोबारा जो है संजोने के लिए जो कार्य जरूरी हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो कर पाएंगे।